फ्रेंड्स, वेलकम टू जंगल क्लासेस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस के सिलेबस का वन ऑफ द मेन पार्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सो बेसिकली होता क्या है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में इस टॉपिक में, दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इस टर्म में लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब वो क्या करते हैं कि कभी कभी टर्म को सेम टर्म समझते हैं, जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इसके बीच में वो नहीं समझते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी था कि आप ये जानें कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो है दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप डिफिनेशन से शुरू करते हैं। जैसे वैक्सीनेशन क्या है कि वैक्सीनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस विच इज़ यूज टू इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में डाला जाता है जिससे हमारे अंदर क्या इंड्यूस हो, एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस हो। अब आप पूछेंगे कि ये एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। सो एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम अपनी बॉडी में किसी वैक्सीन या फिर किसी फॉरेन पार्टिकल को डाल के, उसके बाद जब हम अगर मैं सिंपलर वे में कहूँ तो जब हम अपनी बॉडी में एंटीजन डालते हैं और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जब एंटीबॉडी खुद बनाती है तो वो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सो यहाँ पर वैक्सीन वो काम कर रही है। तो जब हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, वैक्सीन डालते हैं, एंटीजन डालते हैं वैक्सीन के थ्रू, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, किससे, टिपिकली किससे, इन्फेक्शियस डिजीजेस से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी बॉडी में क्या डालते हैं, वैक्सीन डालते हैं। सो यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए इम्यूनाइजेशन जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन एक एक्शन है और इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो माइन्यूट सा अंतर है। मतलब हम इम्यूनाइजेशन जो है वो और भी तरीके से कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के और भी तरीके हैं हमारी, लेकिन जब हम मुझे वैक्सीन के थ्रू करते हैं तो वो वैक्सीनेशन हो जाती है। ओके, अब आते हैं कि प्रिंसिपल क्या है वैक्सीनेशन का, ठीक है, कि वैक्सीनेशन किस पे प्रोसेस, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक। तो जो मेन प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का वो ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक मेमोरी है। जैसे हमारी एक मेमोरी होती है, हमें याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है, हम एक बार जान लेते हैं अगर उसको एक दोबार रिवाइज़ कर लेते हैं। अब हमारे साथ क्या है कि हम अगर रिवीजन ना करें तो हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर एक बार किसी चीज़ को देख लेता है तो वो उसकी मेमोरी में फीड हो जाती है, और जब वो फीड हो जाती है तो वो कभी उसको भूलता नहीं। तो होता क्या है कि हमारा जो वैक्सीन है वो 3R प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, 3R पे, दैट इज 3R पे काम करता है। अब 3R यहाँ पर क्या है, पहला क्या है, रिकॉग्नाइज, दूसरा R क्या है, रिस्पॉन्ड, और तीसरा R क्या है, रिमेंबर। सो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको पहले रिकॉग्नाइज करती है कि अच्छा ये तो फॉरेन पार्टिकल है, फिर क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, मतलब उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, और फिर उसको फ्यूचर के लिए क्या करती है, रिमेंबर कर लेती है कि नेक्स्ट टाइम अगर यही सेम पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको तुरंत क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और तुरंत उसके बाद, क्योंकि वो उसको रिमेंबर रहेगा, इसे डायरेक्ट एक्शन ले देगा, तुरंत एक्शन ले देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है जिसकी, जिस पर जो है वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है। अब इसमें करते क्या हैं, कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हम किसी वायरस को या फिर इसको किल करके, ठीक है, या फिर इसको वीकेंड करके वायरस को क्या करते हैं, अपनी बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब डालने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उसको क्या करती है, तुरंत रिकॉग्नाइज करती है कि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, और फिर उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है, उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है,
एंटीबॉडीज़ बनाती है और फिर क्या होता है उसको फ्यूचर के लिए रिमेम्बर कर लेती है कि अगर वापस से वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आई तो हम वो उसको क्या करेगी, रिमेम्बर कर रखेगी। ठीक है, सो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने तरीके की होती हैं, तो देखिए वैक्सीन बेसिकली वैक्सीन 5 तरीके की होती हैं और भी टाइप्स होते हैं बट मेन जो है वो 5 हैं। ठीक, तो पहली जो है वो किल्ड वैक्सीन है। इसमें क्या करते हैं, वायरस या फिर जो भी पैथोजन है, पैथोजन को क्या करते हैं, डेड करके बॉडी में डालते हैं। ठीक है, जैसे पोलियो में हम करते हैं पोलियो वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या करते हैं, जो वायरस है या फिर जो भी पैथोजन है उसका जो टॉक्सिक केमिक जो है केमिकल उसको हम बॉडी के अंदर डालते हैं। जैसे टिटनेस वैक्सीन में हम ये करते हैं, टिटनेस में करते हैं। उसके बाद एटोनिएटेड को ही क्या बोलते हैं, वीकेंड वैक्सीन बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वायरस को वीक करके, डेड करके नहीं, उसको वीक करके कि वो डिजीज़ कॉजिंग जो उसके अंदर एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, हमारा बॉडी में इंजेक्ट करने पे डिजीज़ ना कर सके। ठीक है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है उसके उसको इंजेक्ट करते ही क्या करें, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस हो जाए तुरंत। ठीक, उसके बाद क्या है, mRNA वैक्सीन है। ठीक, ये क्या करती है, ये एक जेनेटिक बेसिस पे काम करने वाली वैक्सीन है। ठीक, उसके बाद वायरल वेक्टर, इसमें क्या है, हम वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, मतलब एज अ होस्ट यूज़ करते हैं, एज अ होस्ट यूज़ करते हैं और होस्ट की तरह यूज़ करके इस पर हम अपने जो पार्टिकल है जिसके लिए हमें वैक्सीन बनानी है उसको क्या करते हैं, उस पर इस पर एंटीजन लोड करते हैं और बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, सो ये अलग अलग तरीके की वैक्सीन है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड में आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें देखिए जैसे कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन में कहते हैं कि कोरोना वायरस को किल करके डाला गया है तो वो एक किल्ड वैक्सीन है ना। टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मॉडरेना, मॉडरेना क्या है, एक mRNA वैक्सीन है जो mRNA के प्रिंसिपल्स पे बनी है। नाउ कमिंग टू द स्पुतनिक, स्पुतनिक क्या है, एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। सो ये आप अभी जो कोविड-19 का करंट सिनेरियो चल रहा है उससे आप समझ सकते हैं कि इस ऐसे वैक्सीन बन रही हैं। अब जैसे जैसे वैक्सीन में एडवांसमेंट आता गया, जैसे जैसे वैक्सीन एडवांस होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ, वैक्सीन की जनरेशन आने लगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन आई कि पहले हम क्या ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते थे, फिर हमने डेस्कटॉप यूज़ किया, फिर लैपटॉप यूज़ किया। सो जैसे जैसे एडवांसमेंट कंप्यूटर में आया वैसे वैसे उसकी जनरेशन बनी। सो जैसे जैसे वैक्सीन भी एडवांस हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, वैक्सीन की भी जनरेशन बनी। जैसे फर्स्ट जो जनरेशन वैक्सीन की थी उसमें हम लोग किल्ड या फिर एटोनिएटेड यूज़ करते थे। सेकेंड जनरेशन में हमने क्या हुआ, हमने बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमने जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन्स को यूज़ किया। और थर्ड जनरेशन की वैक्सीन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंथेटिक वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। जैसे सिंथेटिक वैक्सीन, अब जैसे सिंथेटिक वैक्सीन का अगर आपको एग्जांपल दे तो जैसे पेप्टाइड वैक्सीन किसके लिए बनाई गई है, जो एनिमल्स में फूट एंड माउथ डिजीज़ होते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज़ उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माउथ डिजीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेप्टाइड। तो ये एक जनरेशन है जैसे जैसे वैक्सीन डेवलप हो गई। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो ज़रा भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।